Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the different relations and different curvatures of the rectum. So we know the rectum is a continuation of the sigmoid colon right here. So it's lying in the concavity of the sacral vertebrae, and it will be continuous downward with the anal canal. So this is the rectum. It's having certain curvatures which we need to study. So there are certain lateral flexure, the lateral curvatures in the structure of the rectum, and there are certain anteroposterior curvature. Like एक तो ऐसे curvature होगा जिसे हम बोलते हैं anteroposterior curvature, एक होता है ऐसे lateral flexure जिसे हम बोलते हैं lateral curvature. So lateral curvatures तीन होते हैं. The first curvature is going to be the towards right. So this is the first right curvature of the rectum. The second upper part में just right side पे curvature होगा, right side पे उसकी convexity होगी. Middle part में there is a curvature on the left. So the middle curvature is going to be on the left side. Then the lower curvature is again going to be on the right side. So in this way we have three curvatures of the rectum, और ये तीनों lateral curvatures हैं. अपर वन थर्ड में ये राइट साइड पे कर्व हुआ है, मिडिल वन थर्ड में लेफ्ट साइड पे कर्व है, और लोअर वन थर्ड में अगेन राइट साइड पे कर्व है. तो इस तरह से इसके तीन कर्वेचर्स बन जाते हैं. देन वी हैव एंट्रोपोस्टियर कर्वेचर. एंट्रोपोस्टियर के दो कर्वेचर होते हैं, सेक्रल फ्लेक्चर एंड पेरिनल फ्लेक्चर. सेक्रल फ्लेक्चर इसलिए बनता है सेक्रल वर्टिब्रा की वजह से, क्योंकि बताया सेक्रल वर्टिब्रा हमारी ऐसे पड़ी होती है कंकैविटी से बनाकर. तो उसी कंकैविटी के अंदर इसकी प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे फ्लेक्चर आ जाए, हम बोलते हैं सेक्रल फ्लेक्चर. द सेकंड फ्लेक्चर इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड्स, इस तरह का फ्लेक्चर बनता है, दैट इज गोइंग टू बी द पेरिनल फ्लेक्चर. बेसिकली एनोरेक्टल जंक्शन पे ये बन रहा होता है हमारा पेरिनल फ्लेक्चर. तो दो फ्लेक्चर हो गए एंट्रोपोस्टीरियर, तीन हो गए लेटरल फ्लेक्चर्स या लेटरल कर्वेचर्स, एक ही चीज दोनों. देन वी हैव पेरिटोनियल रिलेशन और रेक्टम. एक होते हैं पेरिटोनियल रिलेशन जो कि इन रिलेशन टू एनी मेसेंट्री या एनी पेरिटोनियल कवरिंग होते हैं, ठीक है. और एक होते हैं विजरल रिलेशन जो कि होते हैं रिलेशन टू एनी विजरा बॉडी ऑर्गन्स वगैरह वगैरह. अच्छा जी, तो पेरिटोनियल रिलेशन कुछ ऐसे हैं कि अपर वन थर्ड, ऐसे तीन पार्ट होते हैं रेक्टम, ठीक है. अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड एंड लोअर वन थर्ड. अपर वन थर्ड में इट इज कवर्ड एंटीरियरली एज वेल एज लेटरली फ्रॉम द पेरिटोनियम, ठीक है. पेरिटोनियम कवरिंग उसको एंटीरियर भी कवर कर रही है और लेटरली भी कवर किया हुआ है. तो अपर वन थर्ड में तो उसके रिलेशन ऐसे हो गए. मिडिल वन थर्ड में इसका रिलेशन ऐसे है कि इसको लेटरली कवर नहीं कर रही पेरिटोनियम, जस्ट उसको एंटीरियरली कवर किया हुआ है लाइक दिस. एंड लोअर वन थर्ड में इसको बेसिकली कवर किया ही नहीं हुआ पेरिटोनियम में, सिंपली एज वी नो कि यहाँ पर आकर हमारे पास फोल्ड आता है पेरिटोनियम, जो कि यहाँ पे रेक्टो वेसिकल पाउच बना रहा था इन केस ऑफ मेल्स, और रेक्टो यूट्रन पाउच बना रहा था इन केस ऑफ फीमेल्स. तो उसी पाउच के नीचे डाउनवर्ड एक थर्ड इसका पार्ट शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पेरिटोनियम कवरिंग नहीं है, जस्ट मिडिल की एंटीरियरली है और अपर वाले की एंटीरियरली और लेटरली की कवरिंग, ठीक है. अब हम इसके विजरल रिलेशन की बात करते हैं. तो विजरल रिलेशन मेल्स एंड फीमेल्स में एंटीरियरली डिफरेंट होंगे, लेकिन पोस्टेरियरली दोनों के केस में सेम होंगे, ठीक है. क्योंकि एंटीरियरली फीमेल्स में यूट्रस नजर आता है और मेल्स में वी सिंपली हैव द यूरिनरी ब्लैडर. सो दैट मेक्स अस एंटीरियर रिलेशंस डिफरेंट फॉर बोथ द सेक्सेस, व्हाइल पोस्टेरियर रिलेशंस दोनों के केस में सेम होंगे. अच्छा, इन केस ऑफ मेल्स द अपर टू थर्ड ऑफ इट इज बेसिकली कवर्ड बाय पेरिटोनियम, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. और ये पेरिटोनियम बेसिकली इसको बना रहे हैं यहाँ पर रेक्टो वेसिकल पाउच. इन फेस ऑफ मेल्स अपर टू थर्ड इज बेसिकली एंटीरियर रिलेटेड टू द रेक्टो वेसिकल पाउच, और इस रेक्टो वेसिकल पाउच के अंदर पड़े होते हैं कॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स, राइट, लाइक दिस. देन लोअर वन थर्ड बेसिकली इज रिलेटेड टू द यूरिनरी ब्लैडर, उसकी बेस रिलेटेड है. द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर द टर्मिनल पार्ट ऑफ यूरेटर, जो कि इसमें ड्रेन कर होता है, सेमिनल वेसिकल, द प्रोस्टेट एंड द डक्टस डेफरेंस. सो ये सारे इसके एंटीरियर रिलेशन हो गए लोअर वन थर्ड में, अपर टू थर्ड में रेक्टो वेसिकल पाउच अलॉन्ग विद कॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन. इन केस ऑफ फीमेल्स द एंटीरियर रिलेशन आर बिट डिफरेंट. अपर टू थर्ड में वी हैव द रेक्टो यूट्रन पाउच, जो कि सेपरेट कर रहा है इसको फ्रॉम द कॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन एज वेल एज फ्रॉम द यूट्रस एंड अपर वन थर्ड ऑफ वजाइना. वेल इन द लोअर वन थर्ड वी डोंट हैव एनी पाउच, रादर वी जस्ट हैव अ लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना एंड इट्स एंटीरियर रिलेशन. तो ये हो गए इन केस ऑफ फीमेल्स एंटीरियर रिलेशन रिलेटेड टू द रेक्टो यूट्रन पाउच, द यूट्रस एंड अपर पार्ट वन थर्ड ऑफ वजाइना, एंड द लोअर वन थर्ड इज रिलेटेड टू द लोअर पार्ट ऑफ वजाइना. सो ये हो गए एंटीरियर रिलेशन केस ऑफ फीमेल्स. पोस्टीरियर रिलेशन इन बोथ जेंडर इज द सेम, दैट इज पोस्टीरियर रिलेटेड टू द लोअर थ्री सेगमेंट्स ऑफ द सेक्रल वर्टिब्रा एज यू कैन सी एंड द कॉसिक्स वन. सो दिस ये सारे उसकी पोस्टीरियर रिलेशन बना रहे हैं. और जो इसकी अब हमारे पास सेक्रम के ऊपर जो चीज़ें पड़ी होंगी, मसल्स, आर्टरीज, नर्व्स, ट्रंक्स, जो भी पड़े होंगे वही बेसिकली इसके पोस्टीरियर रिलेशन में भी नजर आएंगे. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट सेक्रम से रिलेटेड होता है पिरिफॉर्मस मसल, तो वो यहाँ पर पड़ा होगा. वी नो दैट पेल्विक फ्लोर इज बिंग फॉर्म लिवेटिक एनाई मसल एंड द कोसेजियस मसल, तो वो यहाँ पर नजर आएगा. वी हैव द सिम्पैथेटिक ट्रंक, उसका S3, S4, S5 कंपोनेंट, C1 कोसेजियल कंपोनेंट, देर विल बी मीडियम सेक्रल आर्टरी, लेटरल सेक्रल आर्टरी एंड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी. तो हमें तीन तरह की आर्टरी नजर आ गई, सिम्पैथेटिक प्लेक्सस नजर आ गया, हमें अपने लिम्फैटिक लिम्फ नोड्स और फैट नजर आएगा. सो दीज आर गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर विच आर गोइंग टू बी प्रेजेंट. इसके अलावा हमें एनोकोसीजियल लिगामेंट, एनोकोसीजियल बॉडी हमें नजर आती है पड़ी हुई, जो कि हमें ये नजर आ रही है यहाँ पे, तो भी इसके पोस्टीरियर कंपोनेंट्स में हमें नजर आती है. सो एज यू कैन सी दैट वी हैव मीडियम सेक्रल आर्टरी, द लेटरल सेक्रल आर्टरी, द सुपीरियर रेक्टल, द बस यही है आर्टरी, यही सिम्पैथेटिक ट्रंक, S3, S4, S5 का कंपोनेंट उसका. वी हैव द C1 कोसेजियल कंपोनेंट, वी हैव द पेल्विक स्प्लेनिक नर्व, वी हैव द लिम्फैटिक्स एंड फैट, एंड वी हैव द एनोकोसेजियल लिगामेंट देयर. सो विद दिस नाउ वी आर डन विद द रिलेशन विद रेक्टम. आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू. सो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.